अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 10 तक डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सॉरी 11 12। हम लोगों ने इसको कर लिया था जी। 15 क्वेश्चन हमने करना था। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान जो है, ये इसका राइट आंसर बेगम राणा लियाकत है। और उसके बाद द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये हम लोग पीछे भी कुछ क्वेश्चन ये किया है हमने, ये कराची में है और ये 28 नवंबर 1972 में कनाडा की हेल्प से ये बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है। इज़ यूज टू रिकॉर्ड इन डेस्टिनी, ये इसमें ऑफ सोर्स ऑफ अर्थक्विक सिस्मोग्राफ, इसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ इज़ द राइट आंसर इसका। उसके बाद नेवर जो है, ये पम्फलेट आपको पता है 1933 में चौधरी रहमत अली। क्रिप्स जो है, ये प्रपोजल 1942 में 1942 में। द मेन गैसेस दैट प्रोड्यूस रेन आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रो डाइऑक्साइड, ये राइट है इसका। बराक हुसैन ओबामा वाज अ प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, ये इसमें 44th राइट आंसर, 44th था बराक हुसैन ओबामा। ट्रंप है जो, ये 45th है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2017 को, जनवरी 20 2017 में ये इसने किया है। और ये आपको पता ये भी होना चाहिए कि इनका टेन्योर 4 ईयर है और इसकी एज कितनी होती है, ये चीज़ें भी इसमें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे आ जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबर जो था वो अमेरिकन डिस्कवर, उसने अमेरिका डिस्कवर किया था, वो इटली से था, बिलोंग करता। फिर उसके बाद कहते हैं व्हेन नो टैरिफ आर इम्पोज ऑन ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इट इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड। उसके बाद मकरनानी स्टाइल ऑफ विच लैंग्वेज, तो ये डेफिनेटली बलोची आएगा, ए राइट आंसर आ जाएगा। डिफाइन द डांस ऑफ पंजाब, भंगड़ा भंगड़ा पंजाब में टलता, तो इसका ए राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद विच इज़ नॉट अ खरीफ वीट जो है, ये खरीफ नहीं है, मतलब रबी में आती है वीट, जो गंदम जो है ना ये रबी में आती है, तो राइस जो है वो खरीफ में आती है फसल। ये आपको इसका राइट आंसर वीट आ जाएगा। मनी पेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड, देयर प्राइसेस कैन बी केप्ट लो टर्म एज सब्सिडी। गवर्नमेंट जो है ये जब भी मतलब यूटिलिटी स्टोर है या कोई भी जगह, मतलब अब रमज़ान बाज़ार लगता है, वहाँ पे गवर्नमेंट किसी शॉप वाले से कहती है कि आप लोग यहाँ पे सब्सिडी के लिहाज से जो है ना वो सेल करोगे, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है ताकि जो है पब्लिक को कोई भी चीज़ जो है ना वो लो कॉस्ट में मिले, ताकि पब्लिक जो है आसानी से ख़रीद सके, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ख़रीद सके। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 2003 है, ये इसका राइट आंसर है। द बुक ऑन द रीजन ऑफ दिस इज वाज रिटन बाय डार्विन, ने लिखी है ये चार्ल्स डार्विन। अब्दुल रहमान चुगताई, ये पेंटर था। फिर आर्टिकल 25 जो है, 31 का, ये इसका इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ये कहीं पे कुछ लोग इसका डी कह रहे हैं, कुछ लोग इसका ये बी कह रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, तो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन मेरे हिसाब से इन वे इसका है जी, सिनोनिम रेमोस्टेट। फराडेज लॉ जो है, ये इलेक्ट्रो 33 का, सी ऑप्शन राइट है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इन वे जो हमने पढ़ा उसका मतलब होता है मजम्मत करना, बुरा भला कहना, ऊपर जो हम लोगों ने इसको पढ़ा है। उसके बाद आगे आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 34। गजवा इज मेंशन इन सूरत अल इमरान, गजवा ओहद सूरत इसमें मेंशन है। और आपको पता होना चाहिए जो सूरत इमरान है इसके 20 रुकू हैं और सूरत अल बकरा के 40 रुकू हैं। और ये सूरत अल इमरान जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है और सूरत बकरा जो है फर्स्ट लार्जेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। देन क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इसमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन ही इसकी एवरेज निकलेगी।
ऐसे 2/5 कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ये इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इंटरनेट इस टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज आईपी का स्टैंड फॉर होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहता है द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 में तीन कॉन्फ्रेंस हुई थी, दो में नवा इकबाल ने शिरकत की है, दो में जो है ना ये कायद अजम ने की है। ये भी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कितनी बार किस किस में की है। वर कन्विंस्ड बाई विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, इसका जो है राइट आंसर है। उसके बाद वो कहता है कंट्री अबॉलिश्ड इन 2008 नेपाल, इसका राइट आंसर है। इन पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट वर एस्टेब्लिश आफ्टर अ टेररिस्ट, ये 2015 में हुआ था। और साइबर क्राइम का अगर पूछा जाए तो 2016 है सॉरी एक्ट जो पास हुआ है, और ये जो है ये 15 में। आपको ये भी याद होगा कि 16 दिसंबर 2014 को एक इंसिडेंट हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पे, जिसकी वजह से बाद में ये इशू जो है ना बनाया। अच्छा, ये ब्रॉड पीक इन द प्रेजेंट इन, ये क्राकम राइट आंसर इसका, बी ऑप्शन राइट। इसके बाद है जी द पोलिसेलन टावर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, चाइना राइट आंसर है इसका। अच्छा, इसको हम लोग जो है इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो है 42 वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ ही जाएगा इसका, वैसे 50 जो है ना इसके मुताबिक आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा जी आगे, चेंज द नरेशन। किरण सेड टू सना लेट अस गो आउट फॉर वॉर, किरण प्रपोज टू सना दैट दे शुड गो आउट फॉर वॉर, डी ऑप्शन राइट है इसका। साइप्रस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, तुर्की एंड ग्रीक इनके दरमियान जो है ना तनाजा चल रहा है इनका। इसके बाद वो कहता है द मेन डिफिकल्टी विच डिलेड द अर्ली कंस्ट्रक्शन मेकिंग इन पाकिस्तान, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 46 का जो है वो यहाँ पे तो कुछ लोग सी कह रहे हैं, लेकिन ये कुछ बी भी कह रहे हैं, लेक ऑफ इंटरेस्ट अमंग मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका बी ऑप्शन राइट जो है ना। ये कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, लेकिन मैं जो है ना वो बी को, इसका बी राइट। उसके बाद आ गया जी हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख, गुरु नानक आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आ जाएगा जी इन एम एस एक्सेल चार्ट विजार्ड टर्म डाटा सीरीज रेफर टू, इसका बी अ कलेक्शन ऑफ चार्ट डाटा मार्कर, बी राइट इसका। अच्छा, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा है जी, सिख से रिलेटेड तो गोल्डन टेंपल अमृतसर इंडिया में है, वो भी सिखों का ही है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाएगा आगे द गेम क्ले, क्ले जो है वो किससे रिलेटेड है, तो टेनिस, सी राइट आंसर आंसर है 49 का। क्ले कोर्ट जो है वो टेनिस को कहा जाता है। और एक है मेरा ख्याल डबल शूट शील्डिंग या ऐसा है, वो क्रिकेट से रिलेटेड है, वो भी क्वेश्चन है, वो गालबन दूसरे पेपर में है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 50, कहता है गोड इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग अदरीस, लीबिया ने जो है वो तब इंडिपेंडेंस आज़ादी हासिल की थी। द सन इमर्ज्ड EMERGED, बी ऑप्शन राइट है इसका। रिंग ऑफ फायर फायर इज एट्रीब्यूटेड टू, पैसिफिक ओशन 52 का राइट आंसर है इसका, याद रखिएगा। ये पैसिफिक ओशन से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आता है पाक और इंडिया से रिलेटेड, फोर वो मेरे माइंड में नहीं है। 3 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजन विद डिसेबिलिटी 53 का, डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म वाज 1971, राइट आंसर है इसका। इसका जनवा में हेडक्वार्टर है कोलंगे, यहाँ गुलाम ऐसे कुछ है, वहाँ पे इनकी मीटिंग होती है, मतलब जब भी ये मीटअप होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, कहता है
हु गेव हजरत अस्वद टू हजरत इस्माइल ड्यूरिंग द